अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये हमारे भाई हैं इंडिया से। क्या नाम आपका? समजद शेख। समजद शेख, माशाल्लाह। ये इसी साल आए हैं, साल तकरीबन होने वाला है इसको, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खिदमत है। ये मक्का के हरम में है, सबसे ऊपर छत पे हैं ये। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी यहाँ? आठ घंटा। तो बदलती रहती है, बदल जाती है। आप अब यहाँ हैं, कल को कहीं और जगह हो सकती है? ना, एक ही जगह में ड्यूटी की। अच्छा, यहाँ तो हरम के सबसे ऊपर हो आप? हाँ, तो एक महीना ये भी ड्यूटी की। अच्छा, एक महीना। नहीं, कितनी खुशनसीबी की बात है जो ये मताफ बना हुआ है यहाँ से आगे। मताफ की जगह है या मस्जिद है? ये मस्जिद है, वो उस तरफ से मताफ है। मताफ है, वो बंद किया, वो अंदर से काम चलता है। हाँ, अंदर काम चल रहा है, वहाँ तो नहीं जाने दे रहे? नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन आप कितने खुश नसीब हो, आपकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। अल्लाह का मर्जी है, है ना? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये दुनिया की तो ये तो धोखा देने वाली चीज़ है, दुनिया का माल मता तो। सारा दुनिया तो धोखाबाजी है, सारी दुनिया है ना। अल्लाह का बड़ा एहसान माने कि आपको रब ने अपने काबा के इर्द गिर्द ही आपको चला फिरा रहा है, खिदमत ले रहा है, मस्जिद की खिदमत ले रहा है आपसे। कितनी बड़ी बात है ये, एहसान माने रब। तो ये इंडिया वाले सुनेंगे भाई आपको इंशाल्लाह। कोई इनको आप पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया के भाई हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं, वो जब भी मौका लगता है वो बेचारे पूछते रहते हैं कि खिदमत में भाई कैसे जाया जाता है, कैसे पहुंचा जाता है, कैसे जाए। हम उनको यही कहते हैं भाई खिदमत मत आओ, बस तुम अल्लाह के घर उमरा हज के लिए आओ। क्योंकि खिदमत में जब आओगे तो आपका दिल उगता जाएगा यहाँ की सरजमीन से। इससे अच्छा है कि दिल यहाँ की तरफ माइल रहे, तड़पता रहे और दुआएं कर